बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप तमाम प्यारे भाई खैरियत से होंगे। वलीद अब्बास एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल खटक ब्रदर्स। और होंडाई की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर आई है स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए और जो लो बजट में एक अच्छी हैशबैक कैटेगरी में गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो जो होंडाई कंपनी है उसने ऐसी गाड़ी को मुतारफ़ कराने का फैसला कर लिया है जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में कुछ साल पहले मौजूद थी, फिर उस गाड़ी को ख़त्म किया गया, लेकिन अब उस गाड़ी की नई जनरेशन को पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च करने का बहुत ही बड़ा फैसला कर दिया गया है। आज हम बात करेंगे होंडाई सेंट्रो 2022 मॉडल गाड़ी के बारे में। होंडाई कंपनी बहुत ही फेमस कंपनी है और बहुत ही अच्छी अच्छी गाड़ियां पाकिस्तान में लॉन्च करवा रही है। जैसा कि आपको पता है होंडाई इलेंट्रा, होंडाई टुसॉन एंड होंडाई सोनाटा जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में रिसेंटली ही लॉन्च हो चुकी हैं। ये जो गाड़ी है होंडाई सेंट्रो, ये वो गाड़ी है जो 2003 से लेके 2010-11 तक पाकिस्तान में बहुत ही मकबूल गाड़ी समझी जाती थी, लेकिन उसके बाद कुछ वजूहात की वजह से इस गाड़ी को जो है वो पाकिस्तान के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया गया होंडाई कंपनी की तरफ से। लेकिन अब 2022 मॉडल में इसको नई जनरेशन में, नई शेप में पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया जाएगा। इस गाड़ी के अंदर हमें क्या फ़ीचर्स मिलेंगे, क्या इस गाड़ी की प्राइस टैग है, कब ये गाड़ी लॉन्च हो रही है, तमाम तर तफसीलात आपको मिलेंगी आज की इस कम्प्लीट वीडियो में। अगर आपने अभी तक खटक ब्रदर्स को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे इनेबल करें ताकि आने वाली ऐसी अच्छी अच्छी गाड़ियों की इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मिल सके। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझसे राबता भी कर सकते हैं। अगर इस गाड़ी के हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन बोथ देखने को मिल जाती है। पावर स्टेयरिंग, पावर विंडोज, मल्टीमीडिया स्टेयरिंग का ऑप्शन यहां पर आपको बआसानी देखने को मिल जाता है। एसी इस गाड़ी के अंदर और हीटर प्री इंस्टॉल्ड आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दो वेरिएंट्स के अंदर गाड़ी आएगी, मैनुअल और ऑटो, और दोनों गाड़ियों के अंदर, दोनों वेरिएंट्स के अंदर आपको 1100 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है जो कि हैशबैक कैटेगरी के अंदर गाड़ी आती है। एंड्रॉयड डिस्प्ले, नेविगेशन सिस्टम, ब्लूटूथ एंड वाईफाई कनेक्टिविटी, बेस्ट म्यूजिक सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर एंड बैक व्यू कैमरा, और उसके अलावा बेशुमार लातादाद ऐसे कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद ऑलरेडी जो हैशबैक कैटेगरी की गाड़ियां हैं उनमें आपको कभी नहीं देखने को मिलते। ये गाड़ी पाकिस्तान में मौजूद सुजुकी आल्टो, सुजुकी वैगनार, सुजुकी कल्टस, टोयोटा विट्स, किया की पिकांटो को बहुत ही बुरे तरीके से कम्पीट करेगी क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ और बहुत ही कम प्राइस में पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हो रही है। अगर इस गाड़ी की हम इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 1.1 लीटर यानी कि 1100 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इन हैशबैक कैटेगरी के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि आपको 68 हॉर्स पावर 5500 आरपीएम पे और 99 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4500 आरपीएम पे प्रोड्यूस करके देता है इस गाड़ी का इंजन। उसके अलावा ये 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो कि हैशबैक कैटेगरी के अंदर है। गाड़ी बहुत ही आउट क्लास गाड़ी है और इस गाड़ी के फीचर्स बहुत ही कमाल के हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम आईडी का आईडी शो हो रही है, आप इजीली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि होंडाई सेंट्रो जो है वो 2011 तक इसने बहुत ही शोहरत हासिल की, उसके बाद कुछ वजूहात की वजह से इस गाड़ी को होंडाई कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन अब 2022 में ये गाड़ी लॉन्च की जाएगी जो कि 2022 मॉडल होगी, लेकिन नेक्स्ट 2 मंथ के बाद इस गाड़ी को एक्सपेक्ट है कि लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो पाकिस्तान में इस गाड़ी को 17 से 18 लाख के अंदर लॉन्च किया जाएगा जो कि 10वें, 11वें या 12वें माह में इंशाल्लाह लॉन्च कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।